बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरुल्ला की मौत से पूरी दुनिया में हड़कंप है। ईरान में खौफ का माहौल है तो दुनिया के कई देश चिंतित हैं कि मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। नसरुल्ला की मौत पर दुनिया के कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नसरुल्ला की मौत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनगिनत इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकी और दर्जनों फ्रांसीसी समेत अन्य देशों के नागरिकों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति से हमने हिसाब चुकता कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नसरुल्ला की मौत को न्याय बताया। उन्होंने कहा कि नसरुल्ला की मौत उन हजारों अमेरिकी, इजरायली और लेबनानी नागरिकों के लिए न्याय है जो उससे पीड़ित थे। बाइडेन ने इसराइल के प्रति अमेरिकी समर्थन को दोहराया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि नसरुल्ला की हत्या से प्रतिरोध और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हत्या में अपनी मिलीभगत से अमेरिका इनकार नहीं कर सकता। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत पर 5 दिन के शोक की घोषणा की। उन्होंने सभी मुसलमानों से इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। खामेनेई ने नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की बात भी कही।